Hello, everyone. Good morning. वेलकम टू एम बाइव आप सभी का स्वागत है एम बाइव के इस प्लेटफॉर्म पर और मैं अंकित गुप्ता करता हूं आप सभी का स्वागत आप सभी का वेलकम संडे स्पेशल वीकली करंट अफेयर्स रिवीजन क्लास जहां पर हम इस पूरे हफ्ते के इम्पॉर्टेंट एम का करेंगे रिवीजन आप सभी के साथ तो लगभग आज के सेशन में वीडियो में आपको पचास एम का मैं वीकली करंट अफेयर्स रिविजन कराऊंगा क्योंकि करंट अफेयर्स डेली बेसिस पर जितना इम्पॉर्टेंट है अपडेटेड रहना उतना ही इम्पॉर्टेंट है उसे समय समय पर रिवाइज़ करते रहना उसे समय समय पर लर्न करते रहना क्योंकि जितनी करंट अफेयर्स आपको याद रहेगी उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं या जितने ज़्यादा क्वेश्चंस या न्यूज़ आपको याद रहेंगी उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे तो चलिए आज इस वीकली करंट अफेयर्स रिविजन की करते हैं शुरुआत आप सभी स्टूडेंट्स के साथ सभी लोग रेडी हैं देन डू लाइक द सेशन एवरी एक बार जल्दी से सेशन को सभी लोग यहाँ पर लाइक कर दीजिएगा और सेशन की लिंक को एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिएगा तो चलिए करते हैं आज के इस सेशन की शुरुआत <coughs> चले तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एक करके सारे के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप सभी के सामने आएंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले शुरुआत करेंगे मोटिवेशनल कोट ऑफ द डे के साथ तो आज का मोटिवेशन कोट आप सभी के सामने है लिखा हुआ है इफ यू आर जेन्यूनली वांट समथिंग इफ यू जेन्यूनली वांट समथिंग डोंट वेट फॉर इट अगर आप सच में किसी चीज को चाहते हैं सच में किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए इंतजार मत कीजिए टीच योर सेल्फ टू तो बी इम्पेश अपने आप को थोड़ा सा इमपेश रखिए या अपने आप को थोड़ा सा इमपेश करने का मतलब है कि आपको अगर कोई चीज सच में हासिल करनी है तो उसके लिए धैर्य मत रखिए उसके लिए आप लग जाइए कि हाँ भाई मुझे ये हासिल करना है और दिन रात केवल उसी काम में हम लगे रहेंगे जब तक कि हम उसे हासिल नहीं कर सकते तो पेशेंस के साथ नहीं बैठेंगे इमपेश उसे हम यहाँ पर हासिल करने के लिए जद्दोजहद जरूर करेंगे तो चलिए क्वेश्चन नंबर वन आप सभी के सामने आराम से रीड कीजिएगा और आंसर कीजिएगा सभी लोग क्वेश्चन नंबर वन Question number one Which small finance bank launched a new savings account for women customers called the Blossom Women Savings Account? पांच ऑप्शन आपके सामने है जिसमें से आपको यहां पर बताना है कि किस छोटे वित्त बैंक ने या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक ने महिला ग्राहकों के लिए फीमेल कस्टमर्स के लिए ब्लॉसम सेविंग्स अकाउंट नामक एक नया बचत खाता ओपन करने की बात कही है या एक नया बचत खाता आपका यहां पर लॉन्च किया है बैंक का नाम यहाँ पर क्या बनेगा पांच ऑप्शन सा आपके सामने है क्वेश्चन नंबर वन सही जवाब बनेगा सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हेयर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेकेंड अंडर द रिसेंटली लॉन्च ब्लॉसम विमेन सेविंग्स अकाउंट वॉट परसेंटेज पर एन एम कैन आर वेमेन अर्न? इस बैंक अकाउंट की बात करें हाल ही में जो बैंक अकाउंट आपके यहाँ पर लॉन्च किया गया है ब्लॉसम विमेन सेविंग्स अकाउंट इसके तहत एक महिला सालाना कितने प्रतिशत की ब्याज की कमाई कर सकती है मतलब कि अगर वो इस सेविंग्स अकाउंट में पैसे डालती हैं तो सालाना वार्षिक तौर पर एनुअली उन्हें कितना इंटरेस्ट यहाँ पर मिल सकता है पाँच ऑप्शन बताइएगा सही जवाब कितना इंटरेस्ट वो यहाँ पर अर्न कर सकती हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सेवन रेट ऑफ इंटरेस्ट वो हर साल यहाँ पर हासिल कर सकती हैं नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोविंग वॉज और वेयर नॉमिनेटेड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एक्ट एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दी एल आई सी ये एक लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है फटाफट से बताएगा सही जवाब कि निम्निखित में से किसे एल आई सी के नए प्रबंध निदेशक के तौर पर कार्य करने के लिए भारत सरकार के द्वारा नॉमिनेट किया गया है सही जवाब यहाँ पर क्या बनेगा एलआईसी के नए एम के तौर पर किसे यहां पर अपॉइंट किया गया है पांच ऑप्शन सही जवाब क्वेश्चन पांडे दोनों को एज अ एमडी एल में आपका यहां पर अपॉइंट किया गया है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है बजट फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर इन दी लोकसभा हाउ मच फंड्स वी आर एलोकेटेड टू द जम्मू एंड कश्मीर इन दैड फाइनेंशियल ईयर आपको यहां पर बताना है कि हाल ही में हमारे देश की वित्त मंत्री मिसेज निर्मला सीतारमन जी ने लोकसभा में 2023 हज़ार और चौबीस के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर के बजट जो है वो आपका पेश किया है तो यहां पर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए फाइनेंशियल ईयर में कितनी धनराशि आवंटित की गई है अगर मैं टोटल अमाउंट की बात करूं तो कितना अमाउंट टोटली आपके यहाँ पर आवंटित किया गया है क्वेश्चन नंबर सही जवाब पर बनेगा करोड़ ये टोटल बजट है अमाउंट है जो कि जम्मू कश्मीर को यहां पर दिया जाएगा एलोकेट किया जाएगा फाइनेंशियल ईयर के लिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है नेक्स्ट हाउ मच फंड एलोकेटेड टू द जम्मू एंड कश्मीर फॉर द फेस्टिवल प्रमोशन इन द रिसेंटली प्रेजेंटेड बजट ऑफ द सेड यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर तो हाल ही में प्रस्तुत बजट में त्योहारों को बढ़ावा देने के लिए फेस्टिवल्स को प्रमोट करने के लिए जम्मू कश्मीर को कितनी धनराशि यहां पर आवंटित की गई है फेस्टिवल प्रमोशन के लिए कितना अमाउंट आपका यहां पर दिया गया है पांच ऑप्शन सही जवाब क्वेश्चन नंबर फाइव आंसर बनेगा टोटल तीस करोड़ रुपए धनराशि आपके यहां पर आवंटित की गई है फेस्टिवल्स के प्रमोशन के लिए नेक्स्ट पागल खाना आर 2018 थाउजेंड एंड एटीन नोवेल बाय द रिनाउन हिंदी ऑथर नेम इज डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी वाज चूज इन फॉर विच एडिशन ऑफ व्यास सम्मान ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड ये यहाँ पर बनता है लिटरेचर की फील्ड का कि प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के 2018 के व्यंग उपन्यास पागल खाना को व्यास सम्मान के लिए किस संस्करण के लिए चुना गया है मतलब इसी साल यहाँ पर ज्ञान चतुर्वेदी जी की इस किताब को पागल खाना को यहाँ पर व्यास सम्मान के लिए चुना गया है तो इस साल जो ये सम्मान दिया गया है व्यास सम्मान ये कौन से नंबर का एडिशन आपका यहाँ पर बनता है तीस इकतीस बत्तीस तैंतीस या फिर फिर कौन से नंबर का एडिशन है तो सही जवाब है ये बत्तीसवें नंबर का एडिशन आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन तो नंबर सी इज द राइट आंसर है नेक्स्ट उत्तराखंड बिकेम इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च द रेशम कीट बीमा स्कीम फॉर सेरिकल्चरिस्ट हाउ मेनी वी आर इंश्योर्ड इन द फर्स्ट फेज ऑफ द पायलट प्रोजेक्ट रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य आपका यहाँ पर बन गया है और हाल ही में जो ये टेस्टिंग या पायलट प्रोजेक्ट है इसके पहले चरण में टोटल कितने रेशम उत्पादकों का बीमा आपका यहाँ पर किया गया था संख्या आपके सामने है फटाफट से बताइएगा सेरीकल्चरिस्ट वो लोग होते हैं जो रेशम कीट पालन करते हैं रेशम के कीड़ों को पालते हैं और उनसे रेशम प्राप्त किया जाता है जो लोग रेशम के कीड़ों को पालते हैं और तो इस कल्चर को सेरीकल्चर कहा जाता है तो उनके लिए ये बेसिकली बीमा योजना है तो सही जवाब यहाँ पर क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर सेवन करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी टोटल टू लोगों को अभी शुरुआती स्तर पर यहाँ पर इनका बीमा किया गया है नेक्स्ट हु अमंग दंग इनोग्रेटेड द टू डे जी ट्वेंटी फ्लावर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज एट डेलीज केनॉट प्लेस रिसेंटली हाल ही में किसने दिल्ली में कैनॉट प्लेस में आयोजित दो दिवसीय जी ट्वेंटी पुष्प महोत्सव का उद्घाटन किया है इनोग्रेशन किसके द्वारा किया गया है पाँच ऑप्शन इनोग्रेशन जो किया गया है इस पुष्प महोत्सव का वो किया गया है हमारे यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी के द्वारा तो ऑप्शन नंबर डी भूपेंद्र यादव इज द करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन द कंट्रीज फर्स्ट इलेक्ट्रिक प्लिग्रमेज कॉरिडोर विच इज बींग डेवलप्ड इन उत्तराखंड स्टेट कवर्स द एंटायर रूट ऑफ हाउ मच किलोमीटर्स हाउ मैनी किलोमीटर्स देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर जिसे उत्तराखंड में आपका डेवलप किया जा रहा है विकसित किया जा रहा है तो इसका टोटल लेंथ इसकी कितनी है टोटल कितने किलोमीटर का ये जो मार्ग है इसमें शामिल किया गया है तो किलोमीटर्स में आपको यहाँ पर बताना है कि इसकी लेंथ कितनी होगी क्वेश्चन नंबर सही जवाब यहां पर बनेगा लगभग लगभग नाइन हंड्रेड किलोमीटर का पूरा का पूरा जो कॉरिडोर है रास्ता है वो डेवलप आपका किया जाएगा नेक्स्ट विच इंडियन सिटी इमर्ज एज द मोस्ट पॉल्यूटेड एज पर द रिसेंटली पब्लिश्ड रिपोर्ट बाई द आई क्यू एयर फटाफट से बताइएगा आई क्यू एयर के द्वारा जारी हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार कौन सा भारतीय शहर सबसे प्रदूषित शहर के तौर पर उभर कर सामने आया है सबसे पॉल्यूटेड सिटी आपकी उभर कर सामने आई है पांच ऑप्शन पटना न्यू दिल्ली भिवाड़ी गया या फिर इनमें से कोई नहीं क्वेश्चन नंबर दस सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भिवाड़ी इज द राइट आंसर है टेन एम का रिवीजन पूरा हुआ द सेशन like अभी फोर्टी एम बाकी हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं बस सेशन को लाइक like कीजिए और क्वेश्चन के आंसर कीजिए क्वेश्चन का रिविजन कीजिए क्वेश्चन नंबर इलेवन विच स्टेट इज द होस्ट फॉर द फोर्थ एशियन खो खो चैंपियनशिप रिसेंटली चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी किस राज्य ने हाल ही में आपकी यहाँ पर की है राज्य का नाम क्या बनेगा पांच ऑप्शन क्वेश्चन नंबर इलेवन करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर सी असम स्टेट इसके द्वारा यहाँ पर मेजबानी की गई है नॉर्थ ईस्ट का असम स्टेट सिटी हैज होस्टेड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट एजुकेशनल कॉन्क्लेव रिसेंटली किस शहर ने दुनिया के सबसे बड़े शेयर बाजार एजुकेशनल कॉन्क्लेव की मेजबानी हाल ही में यहाँ पर की थी जहाँ पर शेयर मार्केट से रिलेटेड एजुकेशन और उससे रिलेटेड अवेयरनेस को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था सही जवाब है ये कॉन्क्लेव आपकी भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन द थर्ड दिव्य कला मेला रिसेंटली पांच ऑप्शन आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस शहर ने हाल ही में तीसरे दिव्य कला मेले का आयोजन किया है शहर का नाम है बेंगलुरु नई दिल्ली चेन्नई भोपाल या फिर मुंबई कहाँ पर इस दिव्य कला मेले को आयोजित किया गया था क्वेश्चन नंबर थर्टीन करेक्ट आंसर बनेगा भोपाल सिटी पांच ऑप्शन आपके सामने बताइएगा सही जवाब की आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा दिव्य कला मेला आयोजित किया गया था भोपाल शहर ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट अपॉइंटेड द सीईओ ऑफ सिलिकॉन वैली बैंक रिसेंटली सिलिकॉन वैली बैंक हाल ही में चर्चा में था खबरों में था क्योंकि अमेरिका का यह बैंक आपका यहां पर बनता है जो कि डूबने की कगार पर पहुंच चुका है क्योंकि इनके पास कैश लिक्विडिटी नहीं है तो सिलिकॉन वैली बैंक इसके सीईओ हाल ही में आ, किसे नियुक्त यहां पर किया गया है पांच ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इन्हें रिसेंटली आप इसे इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट की लिस्ट में डाल सकते हैं इन्हें सिलिकॉन वैली बैंक का सीई नियुक्त किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल इम्यूनाइजेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस तारीख को आपका यहाँ पर मनाया जाता है पांच ऑप्शन मार्च मंथ की किस तारीख को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस आपका सेलिब्रेट होता है पांच ऑप्शन सही जवाब क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन सही जवाब यहाँ पर क्या बनेगा सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी मार्च सिक्सटीन इज द राइट आंसर हियर आई पी एल टीम हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद द इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर द आई पी एल ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री सीजन हाल ही में आईपीएल किस आईपीएल टीम ने आईपीएल 2023 सीजन के लिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ साझेदारी की है जो इस टीम और इस टीम के मेंबर्स को खिलाड़ियों को बैंकिंग सर्विसेज आपके यहां पर प्रोवाइड करेगी क्वेश्चन नंबर 16 सही जवाब इस क्वेश्चन का बनता है ऑप्शन नंबर डी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बैगलोर आर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवनटीन रिसेंटली वेटरन एक्टर समीर खाकर पास अवे इन विच टीवी शोज और वेब सीरीज हैड ही वर्क ध्यान से हाल ही में दिग्गज अभिनेता समीर खाकर का निधन हुआ है डेथ हुई है उन्होंने किस टीवी शो या फिर वेब सीरीज में आपका काम किया था अपनी एक्टिंग आ, या अपना अभिनय वहाँ पर किया था क्वेश्चन नंबर सेवनटीन सही जवाब है ए बी एंड सी फर्जी फिल्म में नुक्कड़ नाटक में सर्कस में इन तीनों में उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था या अभिनय किया था ऑप्शन नंबर ई नेक्स्ट एज पर द रिसेंट रिपोर्ट पब्लिस्ड बाई द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट विच इंडियन स्टेट विटनेस द मैग्जिम इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर अगर पिछले दो सालों की बात करें क्योंकि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट हर दो साल में आपकी यहाँ पर जारी की जाती है तो लास्ट रिपोर्ट दो साल पहले आपकी पब्लिश की गई थी तो पिछले दो सालों में आ, किस भारतीय राज्य में जो वन का आवरण है यानी कि जो फॉरेस्ट एरिया है वो बढ़ गया है मतलब उसमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है किस राज्य में फॉरेस्ट एरिया में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है पांच ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 करेक्ट आंसर बनेगा आंध्र प्रदेश पिछले दो सालों में सबसे ज़्यादा जंगली क्षेत्र फॉरेस्ट एरिया जो बढ़ा है वो आंध्र प्रदेश राज्य में बढ़ा है नेक्स्ट एज पर द रिसेंट रिपोर्ट पब्लिश बाई द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट विच इंडियन स्टेट शोड द हाइस्ट मैंग्रोव इंक्रीज मैंग्रोव्स वनस्पति की बात करें तो मैंग्रोव वनस्पतियों में सबसे ज्यादा वृद्धि पिछले दो सालों में सबसे ज्यादा जो मैंग्रोव एरिया है वो किस भारतीय राज्य का आपका यहाँ पर बढ़ा है पाँच ऑप्शन सही जवाब क्वेश्चन नंबर नाइनटीन सही जवाब उड़ीसा इस्टेट में जो मैंग्रोव एरिया है वो सबसे ज्यादा आपका ग्रो हुआ है बढ़ा है नेक्स्ट एज पर द रिसेंट ड बाई द एजुकेशन मिनिस्ट्री विच स्टेट और यूनियन टेरेटरी इज द सेकेंड कंसर्निंग लिटरेसी रेट इन द कंट्री ध्यान से शिक्षा मंत्रालय के द्वारा हाल ही में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में जो साक्षरता दर है लिटरेसी रेट है उस मामले में कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश दूसरे स्थान पर है सेकेंड पोजिशन पर है तो सेकेंड पोजीशन पर जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी आपकी यहां पर बनती है वो है आपकी लक्षद्वीप नंबर वन पोजीशन पर सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट में जो आएगा वो आएगा केरला स्टेट तो यहां पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लक्षद्वीप नेक्स्ट विच एडिशन ऑफ एक्सरसाइज नेम इस खंजर रिसेंटली कम एट दर्गिस्तान एडिशन आपको बताना है कि खंजर अभ्यास का कौन सा संस्करण हाल ही में किर्गिस्तान के टोकमुक में आपका यहाँ पर शुरू हुआ था तो आपको बताना है ये कौन से नंबर का एडिशन था क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या बनेगा फटाफट से कमेंट सेक्शन में सही जवाब बनेगा द राइट आंसर हेयर ये एडिशन का दसवा ये एक्सरसाइज का दसवां एडिशन था नेक्स्ट शक्तिकांत दास बिकेम द सेकेंड आर बी आई गवर्नर नेम एंड इकोनॉमिक रिसर्च जनरल हु वॉज द फर्स्ट आर बी आई गवर्नर टू गेट दिस ऑनर टू गेट दिस ऑनर हाल ही में आर बी आई के जो वर्तमान गवर्नर बनते हैं शक्तिकांत दास जी उन्हें आर्थिक शोध पत्रिका इंटरनेशनल जनरल ऑफ सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है और यह सम्मान हासिल करने वाले वो दूसरे आर गवर्नर बनते हैं इससे पहले आर गवर्नर कौन थे जिन्हें यह सम्मान आपका यहाँ पर दिया गया था या यह सम्मान हासिल हुआ था वो थे आर के 23वें गवर्नर रघुराम गोविंद राजन जी नेक्स्ट क्वेश्चन विद विच आर्मी डिड द इंडियन आर्मी रिसेंटली पार्टिसिपेट इन द्वाइंट एक्सरसाइज नेम इज बोल्ड कुरुक्षेत्र भारतीय सेना ने हाल ही में किस सेना के साथ मिलकर संयुक्त सेनाभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र में पार्टिसिपेट किया है तो भारतीय आर्मी ने किस आर्मी के साथ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री सिंगापुर आर्मी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है नेक्स्ट फॉर विच बुक वॉज तमिल राइटर तमिल राइटर शिवशंकरी रिसेंटली सिलेक्टेड फॉर सरस्वती सम्मान फॉर द ईयर ऑफ ट्वेंटी टू

द लिटरेसी रेट इन रूरल इंडिया अकाउंटेड फॉर हाउ मच परसेंट और कितने परसेंट पर है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा हाल ही में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण भारत में साक्षरता दर लगभग कितने प्रतिशत है कितने परसेंट है रूरल इंडिया में साक्षरता दर की अगर हम बात यहां पर करें क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए सिक्सटी सेवन पॉइंट सेवन सेवन परसेंट ये रूरल इंडिया की साक्षरता दर आपकी यहां पर बनती है ट्वेंटी फाइव एम का डिस्कशन हम लोग यहाँ पर पूरा कर चुके हैं ट्वेंटी फाइव एम अभी रिमेनिंग है फिफ्टी परसेंट सेशन कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक का रिवीजन अगर क्लियर रहा हो और रिवीजन के माध्यम से अगर करंट अफेयर्स लर्न हुई हो तो सेशन को लाइक like करना मत भूलिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी की यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ट्वेंटी सिक्स Which ship received the President's Color Award recently? हाल ही में किस जहाज को शिप को प्रेसिडेंट कलर सम्मान या पुरस्कार आपका यहां पर प्राप्त हुआ है पांच ऑप्शन आराम से रीड कीजिएगा और बताइएगा सही जवाब करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए आई एन एस द्रोणाचार्य ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हेयर नेक्स्ट इन सिटी लार्जेस्ट इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर ऑर्गेनाइज में से किस भारतीय खाद्य और आतिथ्य मेला किस शहर में चंडीगढ़ जयपुर मुंबई या फिर लखनऊ में तो सही जवाब इस क्वेश्चन का बनेगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन करेक्ट आंसर है नई दिल्ली ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट यूनियन मिनिस्ट्री सॉरी यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर शहर का नाम केंद्रीय मंत्री सिंह तोमर जी ने किस शहर में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया है यह है इवेंट किस भारतीय शहर में इसका उद्घाटन किया गया है कोलकाता चेन्नई बेंगलुरु हैदराबाद और भोपाल तो सही जवाब क्वेश्चन नंबर एट का जो आपका यहाँ पर बनेगा वो क्या रहेगा फटाफट से बताएगा कमेंट सेक्शन में इन बेंगलुरु सिटी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर एरिक एरिक एज इट्स अम्बेसडर टू इंडिया निम्नलिखित में से किस देश ने एरिक गार्डसेटी को भारत में अपना राजदूत अम्बेसडर आपका यहां पर नियुक्त किया है कंट्री का नाम यहाँ पर क्या बनेगा कंट्री न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया अमेरिका बांग्लादेश और जापान क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अमेरिका ने हाल ही में भारत में इन्हें अपना राजदूत नियुक्त किया है नेक्स्ट Which border line of India बीन रिकोगनाइज बाय द यू एस एज द इंटरनेशनल बॉर्डर हाल ही में अमेरिका ने भारत की किस अंतरराष्ट्रीय सीमा को अपनी मान्यता यहां पर दे दी है या अंतरराष्ट्रीय सीमा के तौर पर स्वीकार किया है ये देश आपका यहाँ पर कौन बनेगा पांच ऑप्शन सही जवाब ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्टी ये बनेगी आपकी मैकमोहन लाइन जो कि भारत और चाइना के बीच में आपकी यहाँ पर मौजूद है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है नेक्स्ट एज रीसेंटली अनाउंस बाई दई ट्रैक्स डेली इज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इमर्ज एज द बेस्ट एयरपोर्ट इन साउथ एशिया वट वॉज इंग टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू एज पर दई ट्रैक्स यानी कि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रैंक क्या है जो की दक्षिण एशिया में सबसे अच्छे हवाई अड्डे के तौर पर उभरा है इसकी रैंक क्या बनेगी क्वेश्चन नंबर थर्टी वन इसकी रैंक रहेगी सैंतीसवें स्थान पर थर्टी सेवेंथ ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है नेक्स्ट एज पर स्काई ट्रैक्स विच एयरपोर्ट इमर्ज एज दर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट इन टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी थ्री दुनिया का बेस्ट एयरपोर्ट स्काई ट्रैक्स की रिपोर्ट के हिसाब से इंडेक्स के हिसाब से कौन सा एयरपोर्ट वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट आपका यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर थर्टी टू सही जवाब यहाँ पर जो बनेगा वो है ऑप्शन नंबर एक चांगी एयरपोर्ट ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन नेक्स्ट रिसेंटली आर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड शेख हसीना

इस पाइपलाइन की नींव 2018 में आपके यहां पर रखी गई थी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है जिसके माध्यम से डीजल की सप्लाई हम बांग्लादेश को करेंगे नेक्स्ट हु हैज ऑथर्ड द बुक नेम इज ये किताब का मेन टाइटल है सब टाइटल इज द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म इस किताब के राइटर या इस किताब के लेखक यहाँ पर कौन बनते हैं पांच ऑप्शन बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म इस पुस्तक की राइटर हैं आपकी रचना विश्वत रावत ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35, इन विच कंट्री वाज़ द सेवेंटी फीफा कांग्रेस रिसेंटली हेल्ड हाल ही में ये सम्मेलन ये इवेंट कहाँ पर आयोजित हुआ था तिहत्तरवा फीफा कांग्रेस किस कंट्री में आयोजित किया गया था कंट्री अफ्रीकन कंट्री आपका यहाँ पर बनता है जिसका नाम है रोआंडा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हेयर क्वेश्चन नंबर थर्टी रिसेंटली गियानी Infantino वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ़ फ़ुटबॉल एसोसिएशन एंड ही विल सर्व ऑन द सेट डेजिग्नेशन अनटिल विच ईयर हाल ही में गियानी इन्फेंटिनो को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ़ फ़ुटबॉल एसोसिएशन और फ़ीफा का अध्यक्ष आपके यहाँ पर चुना गया है वो इस पद पर किस वर्ष तक या किस ईयर तक वो इस पद पर बने रहेंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी दो हज़ार सत्ताईस तक वो फ़ीफा के अध्यक्ष आपके यहाँ पर बने रहेंगे नेक्स्ट थर्टी सेवन एम आर प्रॉपर्टीज़ एंड मैगना वेव्स बिल्टेक ऑफ विच कंट्री विल एसिस्ट इन कंस्ट्रक्टिंग द मॉल ऑफ श्रीनगर होज फाउंडेशन वॉज रिसेंटली लेड डाउन बाय दी लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मनोज सिन्हा किस देश की एम आर प्रॉपर्टीज और मैगना वेफ बिल्टेक मॉल ऑफ श्रीनगर जम्मू कश्मीर के निर्माण में सहायता करेंगी जिसकी नींव हाल ही में मनोज सिन्हा जी ने आपके यहाँ पर रखी है और ये पहली विदेशी कंपनियाँ होंगी जो कि जम्मू कश्मीर में किसी प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करेंगी तो ये कंपनियाँ आपके यहाँ पर जो बनती हैं वो आपकी सऊदी अरेबिया यू एए, तो ये यू यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात की कंपनियाँ आपके यहाँ पर बनती हैं नेक्स्ट रिसेंटली वन ऑफ द सिटीज ऑफ विच इंडियन स्टेट मेड इट टू द लिस्ट ऑफ द दर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2023 थाउजेंड एंड टी थ्री बाई दाइम मैगजीन टाइम मैगजीन के हिसाब से किस भारतीय शहर के शहरों में से एक शहर को टाइम पत्रिका के द्वारा 2023 के विश्व के महानतम स्थानों की सूची में शामिल किया गया है तो भारत की टोटल दो लोकेशंस है एक तो आपका लद्दाख है और दूसरा उड़ीसा राज्य का मयूरभंज जो लोकेशन है वो आपके यहाँ पर बनेगी तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है थर्टी नाइन वॉट वॉज इंडिया रैंक ऑन द न्यू ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रिपोर्ट पब्लिस्ड रिसेंटली हाल ही में ग्लोबल टेररिज्म रिपोर्ट आपकी यहाँ पर पब्लिस की गई है और इस रिपोर्ट में भारत की रैंक आपकी यहां पर क्या है ग्लोबल टेररिज्म रिपोर्ट में भारत की रैंक यहां पर क्या बनती है क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी भारत की रैंकिंग बनेगी थर्टीन ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है प्लेयर एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में लक्सर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड नाम के स्टेशनरी स्टेशनरी कंपनी ने जो प्रोडक्ट्स बनाती है किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड पर पर बनाया है तो आंसर पर बनेगा विराट कोहली टोटल टेन एमसीक्यूज का रिवीजन अभी भी बाकी है और चालीस एमसीक्यूज का रिवीजन हम कर चुके हैं यहाँ तक का डिस्कशन अगर आप सभी को पसंद आया है देन डू लाइक द सेशन चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ओके चलिए तो रिमेनिंग टेन एमसीक्यूज का डिस्कशन फटाफट से यहाँ पर करेंगे कंप्लीट क्वेश्चन नंबर फोर्टी

230 230 दो सौ क्वेश्चन साउथ कोरिया ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर थ्री वेयर Where is the India Higher Education Meet 2023 held? हेल्ड ये जो मीटिंग है इंडियन हायर एजुकेशन मीट इसे किस भारतीय शहर में या फिर फॉरेन कंट्री की सिटी में आयोजित किया गया था 43 किस शहर में इसका आयोजन हुआ था तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसको आपका यहाँ पर आयोजित किया गया थाहद अल, अल, अल हिंदी ट्वेंटी थ्री हैज बीन ऑर्गेनाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री फटाफट भारत और किस देश के बीच में अभ्यास अल मोहद अल हिंदी 23 का आयोजन आपका यहाँ पर किया गया है इराक में ईरान में थाईलैंड में सिंगापुर में या फिर सऊदी अरेबिया में क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर सही जवाब बनेगा सऊदी अरेबिया ऑप्शन नंबर ई इज़ द राइट आंसर है फोर्टी फाइव वर्ल्ड स्पैरो डे या फिर विश्व गौरैया दिवस किस तारीख को आपके यहाँ पर मनाया जाता है जो घरेलू चिड़िया होती है घरों के आसपास हमें देखने को मिलती है गौरैया उसके संरक्षण के लिए बेसिकली दिवस मनाया जाता है बीस मार्च को हर साल ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर The central government has recently announced plans to set up how many mega textile park in India? Total कितने mega mega जो आपके textile park आपके यहाँ पर होंगे वो स्थापित आपके यहाँ पर करने के लिए भारत सरकार ने यहाँ पर plans अनाउंस किए हैं पाँच ऑप्शन सही जवाब संख्या क्या बनेगी फोर्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सेवन नेक्स्ट

राम सहाय प्रसाद यादव को किस देश के तीसरे उपराष्ट्रपति के तौर पर चुना गया है क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी नेपाल क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन और क्वेश्चन नंबर फिफ्टी आपके यहाँ पर रिमेनिंग है ये दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर होमवर्क है जैसे ही ये वीडियो ये सेशन आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है इन दोनों ही क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन आपके लिए होमवर्क है और इसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन भी आपके लिए यहाँ पर होमवर्क है तो इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिए इन दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर आपको करना है सेशंस को कंप्लीट जैसे ही सेशन कंप्लीट होगा उसके बाद फटाफट से आपको इसका आंसर यहाँ पर करना होगा ओके एवरी चलिए तो अब यहाँ पर करते हैं सेशन को समाप्त ये है आपकी डेली टाइमिंग्स अगर आप बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी सेशन इंग्लिश करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस मैथ्स और रीजनिंग ये सभी सेशनस आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनेंगे तो इन सभी सेशन को सभी लोग यहाँ पर ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा डेली टाइमिंग्स आपके सामने हैं एम बाई एप्लीकेशन पर भी आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं जहाँ पर आपको बहुत सारी ई e बुक्स मिल जाती है प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल जाते हैं क्वेज कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ तो इसका इस्तेमाल कीजिए एम बाई वेब पर आज ही विजिट कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल सेशनस के अपडेट्स और पी डी एफ़ के लिए तो थैंक यू सो मच एवरी आज के सेशन में ज्वाइन करने के लिए कीप एम बाइविंग वी बिलीव इन यू अंकित गुप्ता साइनिंग ऑफ कीप एम बाइविंग वी बिलीव इन यू